17 मार्च की सुबह रोहिणी में पिस्तौल की नोक पर दो महिलाओं से सरेआम लूट फिर इसके 15 मिनट बाद ही मजनू का टीला में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले बाइक सवार दो बदमाश पकड़े गए हैं केवल रोहिणी और नॉर्थ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच समेत अन्य जिला पुलिस भी इन बदमाशों को पकड़ने के लिए काम कर रही थी लेकिन साउथ दिल्ली पुलिस के हाथ कामयाबी लगी जिसका इस केस से डायरेक्ट कुछ लेना देना नहीं था नॉर्थ जिला पुलिस का कहना है कि वह भी इनके आसपास ही थे बस इत्तेफाक की बात है कि साउथ दिल्ली पुलिस उनसे आगे निकल गई दोनों को पकड़ने में साउथ दिल्ली के मैदानगढ़ी थाना और संजय कॉलोनी भाटी माइंस चौकी के छह सात पुलिसकर्मियों का विशेष योगदान रहा टीम में मैदानगढ़ी थाने के एसएचओ जतन सिंह भाटी माइंस चौकी इंचार्ज उमेश यादव एएसआई किशोर हवलदार पंकज सिपाही कमल नरेंद्र और सोमवीर समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे रोहिणी वारदात का वीडियो शनिवार को वायरल हुआ था दोनों की गिरफ्तारी से जुड़े पुलिस सूत्रों ने बताया कि इन्हें पकड़ना आसान नहीं था पुलिस के पास इनका साफ तौर पर कोई चेहरा या अन्य क्लू नहीं थे पुलिस को लग गया था कि रोहिणी और मजनू का टीला में वारदात करने वाले बाइक सवार एक ही हैं लिहाजा मजनू का टीला से लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया गया करीब 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए इसमें पुलिस को पता लगा कि मजनू का टीला से महिला की हत्या करने के बाद बदमाश सराय काले खां की ओर भागे थे यहां से मेरठ एक्सप्रेस की ओर गए ताकि पुलिस को उलझा सके फिर यहां से यू टर्न लेते हुए बदमाश अक्षरधाम फ्लाईओवर की ओर आ गए यहां साउथ दिल्ली की टीम को नॉर्थ दिल्ली की टीम भी मिली लेकिन अक्षरधाम से कई रास्ते ओपन होने से एक टीम एक ओर चली गई दूसरी टीम दूसरी ओर यहां फ्लाईओवर के नीचे बदमाशों ने अपने कपड़े बदले और फिर फैजान उर्फ फुरकान बाइक चलाने लगा समीर उर्फ शहजाद पीछे बैठ गया यहां से यह मदर डेयरी की ओर निकल गए अक्षरधाम फ्लाईओवर के नीचे इनके कपड़े बदलने और राइडर बदलने से पुलिस टीम कन्फ्यूज हो गई जांच में तीन से चार घंटे बर्बाद हो गए टीम दूसरी दिशा त्रिलोकपुरी की ओर के सीसीटीवी कैमरे चेक करने लगी जब इस रूट पर कुछ नहीं मिला तो टीम फिर से अक्षरधाम फ्लाईओवर के सीसीटीवी फुटेज पर पहुंची और यहां से बारीकी से जांच की तो पता लग गया कि बदमाशों ने बाइक की नंबर प्लेट अपनी ड्रेस और राइडर बदल लिए हैं सीसीटीवी कैमरों से जांच करते हुए पुलिस पार्टी आरोपियों के गीता कॉलोनी वाले घर की गली तक पहुंच गई जहां पुलिस को इनकी बाइक खड़ी दिखाई दी इसके बाद टीम ने शनिवार देर रात करीब ग्यारह बजकर तीस मिनट पर यहां ट्रैप लगा लिया सोचा कि बदमाशों में से कोई नीचे उतरेगा थोड़ी देर में आरोपी बाइक की नंबर प्लेट बदलने के लिए नीचे आए तो पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की लेकिन पुलिस पार्टी की सोच से अलग यहाँ हंगामा हो गया इनके परिवार की महिलाओं और अन्य लोगों ने पुलिस का विरोध शुरू कर दिया पुलिस सादे कपड़ों में थी मुलजिमों ने अपने बचाव के लिए अपने ब्लेड मार लिए और पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की यहां टीम के एक सिपाही ने बहादुरी और संयम दिखाते हुए इन्हें सरेंडर करने और नीचे बैठ जाने के लिए कहा एक की पत्नी पुलिस का विरोध कर रही थी दोनों बदमाशों को दो पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा था ऐसे में एक सिपाही ने मौके की नजाकत को समझते हुए एक के बाद एक एक करके तीन हवाई फायर कर दिए इससे मामला बहुत अधिक नहीं बिगड़ा और इस तरह से दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए इसके कुछ देर बाद नॉर्थ दिल्ली पुलिस और अन्य पुलिसकर्मी भी मौके पर आ पहुंचे सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहे जागरूक